इस तरह के टॉपिक आपको हमेशा आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस भी बन चुके हैं, कई बार मेंस में भी पूछ लेता है, लिखित आंसर राइटिंग में भी, और आप इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आज़ादी में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ाया जाता है, और ये क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है, यानी कि महिलाओं की क्या आजादी में भूमिका रही है। आप जानते हैं, पर आप 1857 से ही ले लीजिए, महिलाओं ने पुरुषों से एक तरह से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप रानी लक्ष्मीबाई को जानते नहीं है क्या? तो एक आप देखेंगे गांधी बूढ़ी, या फिर ओल्ड लेडी गांधी के नाम से चर्चित हैं, मातंगिनी हाजरा की सौर गाथा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इसे भी आप लोग, इस नाम को भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी अनेक महिलाएं सामने आई जिन्होंने अपने अपने कौशल से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। कुछ महिलाएं उदारवादी कानूनी मार्ग पर चलकर योगदान कर रही थी, तो कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा, और इन्हीं में एक महान वीरांगना थी मातंगिनी हाजरा, ठीक है। 9 अक्टूबर 1870 को मातंगिनी हजारा ने तमलुक शहर से कुछ दूरी पर मौजूद हुगला मेदिनीपुर जिला में एक साधारण परिवार में जन्म लिया। कब? ये 9 अक्टूबर 1870 की बात है। उन्हें बाल विवाह का 10 झेलना पड़ा, और अत्यंत निर्धनता के चलते उनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय विधुर तिलोचन हाजरा से कर दिया गया। एक बात आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या हुआ होता था कि बाल विवाह होते थे। आप लोग देखते थे कि एक छोटी सी उम्र की लड़की का विवाह एक बूढ़े आदमी से कर दिया जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? काफी भेदभाव रहता था समाज में, ऊंच नीच थे। एक तरह से आप सोचिए कि एक सबसे बुरी आप कहिए रीति थी उस समय की, ठीक है। तो इनके साथ भी, इन्हें भी यही झेलना पड़ा। मात्र 12 वर्ष की उम्र में 62, आप 62 समझ रहे हैं, 62 वर्ष के विधुर तिलोचन हाजरा से इनकी शादी करवा दी गई थी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी का राष्ट्रवादी चरित्र मुखर रूप में सामने आए। बहिष्कार उसकी प्रतिरोध की रणनीति के उस दौर में उन्होंने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी, और सूत काटने और खादी वस्त्रों के को धारण करने की दिशा में उस समय की भारतीय महिलाओं के समक्ष उन्होंने एक मिसाइल पेश की। मातंगिनी हाजरा ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1930 की बात कर रहा हूँ। 1932 में उनके गांव में एक जुलूस निकला और उसमें कोई भी महिला नहीं थी। यह देखकर मातंगिनी जुलूस में सम्मिलित हो गई। इसके साथ ही वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की सक्रिय महिला सहभागी भी थी, और 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक तामलुक आए, तो उनके विरोध में प्रदर्शन इन्होंने किया, और वीरांगना मातंगिनी हजारा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रही थी, और उन्होंने काले झंडे पूर्ण निर्भीकता के साथ दिखाए भी हैं। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का श्रम का कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। एक बात और आपको बता दूं यार, आप सोचिए उस समय, आज जितनी महिलाओं को आजादी मिली है, ये मतलब उस समय के आप कहिए कि इसमें 1% भी नहीं मिली हुई थी। आप समझ रहे हैं कि जितनी आज महिलाएं एक तरह से आजादी महसूस कर रही हैं, उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक और बात बताऊं आपको, और उस समय भी महिलाओं ने, आप सोचिए कि जहां घर से निकलने की आजादी नहीं थी, और आप सोचिए देश के योगदान में आजादी देना, मतलब योगदान देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई हो, फिर चाहे आपकी, इनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप लोग, तो ये बड़ा देखना होगा। और मुझे लगता है ऐसा कि पता है, आज जो आप करते हैं वो इतिहास बनता है। आप सोचिए कि उस समय अगर ये भी यही सोचते हैं कि यार क्या लेना देना है, चलिए छोड़िए, अपने घर का ही काम करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, तो शायद हम लोग इतिहास में इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो आप जो भी करेंगे, जिस रूप में भी करेंगे, आगे इतिहास लिखा जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है कि आज
का जो समय है ये आगे जाके इतिहास में पढ़ा जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। आप सोचिए कि सिंधिया, आप सभी जानते हैं कि गद्दार लिखा हुआ है, देशद्रोही लिखा हुआ है सिंधिया के आगे। आप लोग स्पेशल कोई भी आप इतिहास की हिस्ट्री की बुक उठाइए पढ़िए, तो आपको सीधा सीधा शब्द देखने को मिलेगा गद्दार, समझ रहे हैं। तो उस समय इन्होंने भले ही एक तले से तलवे चाटने के काम किए हो, गुलामी करने का काम किया हो, जिंदा बच गए उनकी गुलामी करके अंग्रेजों की, लेकिन आज उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता है। उनकी उस गलती के लिए एक तरह से आप कहिए कि आज भी, और याद रखिए जब तक धरती रहेगी तब तक इतिहास रहेगा, आप सभी जानते हैं, तब तक गद्दार कहते रहेंगे उन्हें। और रानी लक्ष्मीबाई को दूसरी तरफ देखिए, मेरा मानना है कि जिंदगी 2-4-10 दिन की वो बढ़िया है। इतिहास में अगर आपकी जिंदगी लिख रही है, आपके बारे में लिख रहा है, तो वो 5 दिन 1 दिन आपके लिए काफी है, ठीक है। 100 साल से बेहतर है, मैं तो कहता हूं, अगर 100 साल किसी की गुलामी तलवे चाटने से अगर जीवन मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपनी आजादी का अपने एक तरह से आत्मसम्मान के साथ, अंतरात्मिक आत्मा के साथ समझौता किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, समझ रहे। फिर आपकी मर्जी। इस पिक्चर्स को देख लीजिए आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही है। और 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें 6,000 से अधिक आंदोलनकारी मौजूद थे, इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थी। वहीं इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मतांगनी हाजरा कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने तामलुक थाने पर धावा बोलने की योजना बनाई थी, और उनका मकसद थाने को अपने कब्जे में करना था। जैसे ही जुलूस शहर में पहुंचा, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत रोकने का आदेश दिया है। इससे जुलूस में भीड़ तितर बितर हो गई थी, और ऐसे में मतांगनी ने हाथ में तिरंगा लिए आगे की ओर बढ़ी। वह वंदे मातरम के नारों को बुलंद कर रही थी, और 3 गोलियां खाने के बाद उन्होंने तिरंगे को अपने हाथों में थामे रखा था। एक बात आप लोग खुद सोचिए कि सबके शौक भी रहते होंगे, आप सोचिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु छोटी छोटी उम्र में शहीद हो गए देश के लिए। आज के बच्चों को देखिए आप लोग, कि देश का छोड़िए पहले अपना ही, अपने आप पर तो निर्भर हो जाए, अपने आप के बारे में तो सोच लें। आप सोचिए कि हमें एक तरह से अपने जो भी शौक हैं, अगर आगे बढ़ना है, आगे याद रहना है, तो अपने शौक का तो पहले गला घोटना होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप सोचिए कि इस समय मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप बाप माँ बाप जिस जो भी पैसा लगा रहा है, कोई भी आपका परिवार का, कोई भी आपका जो भी आपका सपोर्ट कर रहा है, तब या तो उसके पैसे का आप उपयोग करते करके पढ़ाई करिए, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग दूसरा रास्ता शौक पूरे करिए। और अधिकतर आप देखने को मिलेगा दूसरा रास्ता चुनते हैं लोग, ये हकीकत है। आपके आसपास भी देख लीजिए आप, बेहतर दिखाई भी देता होगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं कि आप लोग अगर आसपास भी फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। तो इन लोगों को आप देखिए हमेशा ना तो कहीं कोई याद नहीं रखेगा। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी उम्र में शहीद हो जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, शायद वो आज हम ना समझ पाए, हम आप लोग उसे मतलब फील भी नहीं कर पाए। अभी भी कई आप देखते हैं, कई महिलाओं में, फीमेल में भी देख सकते हैं आप लोग, मेल में भी देख सकते हैं, कि एक तरह से दूसरे रास्ते को, उस रास्ते को चुन रहे हैं जो आप सोचिए कि आज के समय में शौक करना, एक तरह से हाव भाव में रहना, एक तरह से आप कहिए कि जो भी कहना हो आपको, कि मतलब 21वीं सदी के नाम पर एक तरह से अपना अपने बल पर कुछ नहीं है, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर अपने बल पर सब कुछ दिखाने की कोशिश। अभी आप आजकल के बच्चों में देखिए, खैर छोड़िए क्या कर सकते हैं, चलिए चल रहा है। तो ये थी आपकी मतांगनी हाजरा, ठीक है। इनके नाम को आप लोग जब भी आंसर राइटिंग करें तब आप लोग यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के जो भी नाम है,
ठीक है, आप लोग आराम से यूज करते रहिए। एनी बेसेंट हो गई, सुचेता किपलानी, ये सभी आपके कॉमन ऐसे नाम है कि आप लोग आराम से लिख सकते हैं।